सलमान साहब, क्या आपको पता है स्ट्रेस कितनी बड़ी बीमारी है, गंजा कर देती है। तो आप भी चाहते हैं कि आप जॉनी भाई जैसे दिखें? नहीं ना। नहीं, मैं गंजा नहीं होना चाहता। अबे तू तो पहले ही टकला है, मैं इनसे बात कर रही हूँ। गंजा भूतनी का। सलमान साहब खुश रहा करें आप, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, दोबारा कब आओगी? क्या? अरे बेटा, मेरा मतलब है इन्होंने मुझे दवाई देनी है ना, ठरकी बुढ़ा। बाबा दवाई तो ये पड़ी, ये सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट नहीं है। बेटा मैं तो जूती पहन रहा था। शिबरा रेस्ट का टाइम नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि वो कमीशन पे पेश होने का टाइम क्या है। बाबा छोड़े ना, मैं चली जाऊंगी। शिबरा जाना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा और फिर मुझे मामू घर से उठा के ले जाएंगे। कौन से मामू? मामू तो फोत नहीं हो गए थे? अरे पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। ओ अच्छा। हाँ, और वो तो मारते भी बहुत हैं। तो मारने दे। क्या मतलब? मतलब कि कभी भी वो आपको चोर टीटी साबित नहीं कर सकेंगे। पहले भी तो आपको रगड़े में लिया है उन्होंने, पर कभी साबित नहीं कर सके। हालांकि आप लोगों से 200-200 रुपए लेकर ट्रेन में सीट देते थे। थक गए हो लोगों की टिकटें चेक करते करते। साले कुछ तो टिकट नहीं लेते थे, वॉशरूम में घुस जाते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता था बाहर। फिर भी आप मुझे टीटी बनाना चाह रहे हैं। बेटा पढ़ाई क्या घुटनों में जा रही है? बेटा मैं तुम्हें टिकट रिजर्वेशन ऑफिस में लगवाना चाह रहा था। अच्छा चलो, मुझे नींद आ रही है। बाबा पुलिस आई है? कहाँ? बाबा के गायब होने की आदत नहीं जाएगी। शिबरा ये मुझे मारेंगे तो नहीं? नहीं बाबा। सलमान साहब आप चाय लीजिए, हम दूध पत्ती वाली चाय नहीं पीते। दूध पत्ती वाली चाय नहीं पीते? सर डेढ़ मरले का बंगला दरिया में, 5 गज जमीन और उस पर काली गोभी के दरख्त, मगर दूध पत्ती वाली चाय नहीं पीते। हाँ जी सलमान साहब, 99,999 रुपए का गबन करके क्या सफाई देंगे आप? जी मैं सफाई दे लूंगा पूरे दफ्तर की। होमवर्क तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन मैं बताती हूँ ये घर बना कैसे। मेरे बाबा गलियों में जा जाकर गुलाब जामुन बेचा करते थे। एक दिन उनके पास एक फकीर आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर एक रसगुल्ला दे दे। और तभी मेरे बाबा ने कहा जा जा, कोई रसगुल्ला नहीं है। फिर उस फकीर ने भी कहा कि अल्लाह करे तू भी मेरी तरह भिखारी बन जाए। फिर हालात ख़राब होने लगे। मेरे बाबा जुम्मे के दिन पहली नमाज पढ़कर दूसरी मस्जिद की सीढ़ियों में बैठकर भीख मांगने लगे। और ये शिबरा बस बस, डायलॉग बहुत बड़ा हो गया और मेरी बेइज्जती भी। और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ आपको, पर इस टाइम बाबा को ठंडी चपेटे लग रही हैं। सुलेमान साहब कहते हैं कि कितने आराम से लोग अल्लाह की कसम उठा लेते हैं, जबकि उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो किस कदर गिर चुके हैं। टीटी होने के बावजूद कभी इन्होंने हमें फ्री ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सब इन पर लानतान करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी? गाड़ी सर अपनी गाड़ी वो वाली है, रोही 19 मॉडल है, ये वाली है। अम्मा के पास चलो। सर सीट पीछे खाली पड़ी है, खुलकर बैठे हैं। पीछे अम्मा बैठी हैं। चलो अजी भी फोत हो गए क्या? नहीं सर, वो गोरकंद है। अच्छा चलो आओ। यहाँ कोई आता नहीं है क्या? अबे ओ भड़वे, तुझसे ही पूछ रहा हूँ। अबे ओ शपाटर। सर आई थिंक ये भैरा है, रुके मैं जाता हूँ उसके पास। ओए चाचा। ये।
रख लो छाता, धूप में काला होने से बचाएगा। अम्मा पूरी चुड़ैल लग रही हो। अम्मे बेटा तुम्हें पता नहीं है मैं मर चुकी हूँ। चलो अब रख लो छाता। वैसे भी मैं तो पहले ही काला हूँ। जब भी आते हो 2 रुपए वाली सस्ती शक्ल लेकर आ जाते हो, कुछ खाने पीने के लिए भी ले आया करो। एयरपोर्ट से बाहर आते ही डकैती पड़ गई। कराची है ना, अब वापस कैसे जाओगे? सर ये खाना तो कुत्तों को नहीं डालना था। बेटा बजट नहीं है और वैसे भी मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। सर सबसे बड़े कुत्ते तो आप हैं। अमरूद कैसे दे रहे भाई? 180 रुपए। 120 दूंगा। भले। 80 रुपए दूंगा। भले। 40 रुपए दूंगा। खले ले जा तू, चल भाग यहाँ से। जहाज का पुत्र टाइम जाया करा दिया सारा मेरा। प्रैंक कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? अमरूद तो नहीं लोगे? साउथ इंडियन फिल्मों में जा, नहीं तो ड्रामे वाले ले लेंगे तुमको। उनके हीरो भी तुम जैसे होते हैं। कहाँ से आए हो तुम? यहाँ के तो नहीं लग रहे। यूके। मैं भी यूके। उमरकोट। रामिया तू पॉइंट मारने नहीं दिया। छुड़ू है, बहुत बड़ा छुड़ू है।